चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का खतरा भारत में बढ़ता जा रहा है। नए मरीज सामने आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरकत में आ गई है। राजस्थान की बात करें तो यहां भी जयपुर में कोरोना वायरस के संदिग्ध इटालियन पर्यटक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसएमएस अस्पताल में पिछले काफी दिनों से भर्ती इटली के 69 साल के एंड्री कार्ली की पुणे नेशनल बायोलॉजी लैब से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंगलवार को जानकारी मिली कि एंड्री की पत्नी भी अब इस संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इटली के संदिग्ध मरीज में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद भी उसे सामान्य आईसीयू में भर्ती किया गया। संदिग्ध को आईसीयू में भर्ती किए जाने से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उनके परिजन सहित करीब 54 लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया गया। इनमें भी कोरोना की आशंका बढ़ गई है। इटली के संदिग्ध के एसएमएस में 29 फरवरी को जांच की गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन लक्षण देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती रखा गया। इसके बाद फिर से जांच कराई गई। मंगलवार शाम पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अधिकारियों से फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी जिला अधिकारियों की बैठक लेते हुए रैपिड एक्शन फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। कोरोना से बचने के लिए गहलोत सरकार की तैयारी क्या है? मंगलवार को हुए सिविल एविएशन सेक्रेटरी की जयपुर सहित देश के सभी एयरपोर्ट अधिकारियों से हुई बातचीत में कई फैसले लिए गए। मीटिंग में तय हुआ कि जयपुर एयरपोर्ट पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान सहित 15 देशों के नागरिकों के आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विदेशों से जयपुर आने वाले यात्रियों से एयरपोर्ट पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में यात्रियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में बताना होगा। एयरपोर्ट पर चिकित्सा विभाग द्वारा सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनिंग मशीनें भी बढ़ाई जाएंगी। एयरपोर्ट पर पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति बुधवार को कोरोना वायरस की तैयारियों की समीक्षा करेगी। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले 20 सदस्यीय इटालियन पर्यटकों का दल राजस्थान के मंडावा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए जयपुर पहुंचा था। यहां पहुंचने पर इटली के पर्यटक एंड्री के बीमार होने पर उसे स्थानीय निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। बाद में उसे एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। इस मरीज के संपर्क में आए लगभग 94 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। प्रदेश में गठित रैपिड रिस्पांस टीमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मंडावा और जैसलमेर में ठहरने के होटल और भ्रमण स्थलों का निरीक्षण कर निर्धारित गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक गतिविधियां पूरी करेंगी।